नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं खेती की ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निजीनो इंडिया लिमिटेड के सान फंगिसाइड के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें टेक्निकल क्या है और इसको हम किन किन फसलों में छिड़काव कर सकते हैं और ये हमारे पौधे पर कैसे कार्य करता है और ये किन किन बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करता है और इसके डोज और रिजल्ट टाइम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ऐसी कृषि संबंधित जानकारी पाने के लिए। तो किसान भाइयों, सान फंगिसाइड का टेक्निकल है एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC। ये फंगिसाइड सस्पेंशन कंसनट्रेट के फॉर्म में आता है, मतलब एक गाढ़े लिक्विड के फॉर्म में आता है। ये एक बोर्ड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो कि हमारे पौधे पर लगभग सभी प्रकार के फफूंदजनित बीमारियों को प्रभावी नियंत्रण करता है। ये फंगिसाइड हमारे पौधे पर रोग निरोधी और सुरक्षात्मक कार्रवाई के साथ कार्य करता है। इस फंगिसाइड को जब हम हमारे पौधे पर छिड़कते हैं तो ये फंगिसाइड अपने प्रणालीगत गतिविधियों के साथ पूरे पौधों में फैल जाता है और फंगस को बढ़ने से रोकता है और उसके साथ फंगस को मारता भी है। और ये फंगिसाइड अपने पारदर्शी क्रिया से पत्तों के ऊपरी हिस्से से नीचे तक चला जाता है और पत्तों के नीचे लगे हुए जो फंगस होते हैं उनको भी प्रभावी नियंत्रण करता है। सान फंगिसाइड को हम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सभी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। सान फंगिसाइड में फाइटोटोनिक प्रभाव होता है जिससे पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा में वृद्धि होती है और हमारा फसल हरा भरा दिखता है और उसके साथ उपज में भी सुधार आता है। अगर बात करें इसके फसल छिड़काव के बारे में तो सान फंगिसाइड को हम धान, गेहूँ, मूंगफली, मूंग, अंगूर, सेब, प्याज, टमाटर, आलू, मिर्च के अलावा सभी प्रकार के फसलों में हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर बात करें इसके बीमारी नियंत्रण के बारे में तो सान फंगिसाइड सीथ ब्लाइट, ब्लास्ट, फ्रूट रॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डायबैक, पर्पल ब्लोच, येलो रॉस्ट, ईयरली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, स्कैब और प्री मैच्योर लीफ फॉल बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अगर बात करें इसके डोज के बारे में तो सान फंगिसाइड को 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 300 ml मिलाकर छिड़काव करें। इससे आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर आता है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट टाइम के बारे में तो सान फंगिसाइड का असर हमारे फसलों पर 20 से 22 दिन तक देखने को मिलता है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप सान फंगिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं और सान फंगिसाइड दुकान में अवेलेबल नहीं होता है तो आप उसके बदले में आदामा इंडिया लिमिटेड का जो कस्टोडिया फंगिसाइड आता है उसको लेकर छिड़काव कर सकते हैं या फिर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का जो स्पेक्ट्रम फंगिसाइड आता है उसको भी लेकर छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में जो मिश्रण होता है सेम होता है, सिर्फ कंपनी अलग होने से उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो मिश्रण होता है तीनों में सेम होता है और उनका कार्य भी सेम होता है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।